छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुमारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया।